बात रखने के लिए। आप किस पक्ष से आए हैं? आप किस पक्ष से आए हैं? सुनो, आप किस पक्ष से आए हैं? क्या बनता है यहाँ? आप क्यों आए हैं? आप दूसरे गांव का मतलब क्यों आए हैं? मैं सामाजिक आदमी हूँ। दूसरे गांव का मतलब क्यों आए हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया हो ना दुआ। आप क्यों कह रहे हैं? मैं सामाजिक आदमी हूँ। बारे में जानते हैं सर, बोल रहे हैं संजोग जी के बारे में, घटना के दिन नहीं थे, बात सही है ना? बात सही है। और इनके पिताजी जो है केदारनाथ, वो भी उस समय नहीं थे। अच्छा, एक बिलास राम जी है, वो भी नहीं थे? नहीं, बिलास थे, मौजूद थे, बीमारी से ग्रसित। अब जो भी हैं बिलास थे यहाँ। संजोग जी नहीं थे? नहीं थे। और इनके पिताजी भी नहीं थे? नहीं थे। तो इनका जो दोनों आदमी का जो एफ आई आर में नाम हुआ है, गलत हुआ है ना? उधर का भी जो आदमी नहीं था उसमें भी एफआईआर में नाम है, तो वो भी गलत है। इनका नाम दिया गया है, वो भी गलत। सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो अभी बाद में पूछेंगे। हाँ। ये बताइए पहले। नहीं, आप दोनों को पूछ लीजिए ना, हम बता देंगे। पूछेंगे, आप पूछ रहे हैं, माने दो आदमी का नाम नहीं था? नहीं, ये लोग थे नहीं, नहीं दरवाजे। वो लोग भी दो आदमी नहीं थे, उन लोगों का भी नाम पड़ा। हाँ। तो मैं ये दोनों पक्ष को डिपेंड करिए, डिपेंड ना करिए। दोनों आदमी का जो नहीं थे उसका नाम पड़ा है, उसका भी नाम हटना चाहिए। और ये लोग भी नहीं थे तो इनका भी नाम, इनका भी हटना, यही ना? बस यही हम लोग मानते हैं। निर्दोष फंसे नहीं, मैंने निर्दोष जो है फंसे नहीं, दोषी छूटे नहीं। तीसरा बार झगड़ा है आपको मालूम होगा? तीसरा बार नहीं, 20 बार झगड़ा होगा। आप छोड़ो, तीसरा बार नहीं, 20 बार होगा। जो आप जब मान है तो आप जिस रास्ते पर जाइएगा उसी रास्ते पर लोग चलेगा। जिस रास्ते पर आप चलिएगा उसी रास्ते पर हम चलेंगे। आप लोग यहाँ गरीब, कौन यहाँ गरीब है? सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिश्रा सोनदेव, आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के दरौली प्रखंड के रेपुरा गांव में। मैं आपको बता दूं कि रेपुरा गांव का जो 15 नंबर वार्ड है वो महादलितों का वार्ड है, दलित बस्ती है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्रथा जो है दलित बस्ती है, लेकिन यहाँ पर सब कोई एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड रहते हैं। उसको मैंने समय समय पर आर्थिक स्थिति से मानसिक शारीरिक रूप से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी में कुछ समाज के गैर सामाजिक तत्व के लोग मारपीट करके और यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं अभी तो उनको अंग भंग कर दिया गया है ताकि वो भविष्य में विकास न कर से। तो आइए हम चल के पुष्टि करते हैं और वेरीफाई करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि जो सिवान जिले के दरौली प्रखंड के पूरा गांव में किस तरह का हमला किया गया है 15 नंबर वार्ड में दलित बस्ती। आइए चलते हैं इनके घर की तरफ और बात करते हैं घर के परिजनों से कि किस प्रकार की यहाँ पर घटना घटी हुई है। आपसे बात किया कि सिवान जिले के दरौली प्रखंड के पूरा गांव में वार्ड नंबर 15 में हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यह महादलित बस्ती है और एजुकेटेड और वेल ट्रेनिंग की बस्ती है, पर शिक्षित लोग रहते हैं, मारपीट करने वाला लोग नहीं रहते हैं। लेकिन आए दिन जिस प्रकार की घटना घट रही है, जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, कहीं ना कहीं इसका दोषी कौन है? अगर हम सही हैं तो प्रशासन दोषी है, अगर प्रशासन सही है तो हम दोषी है, अगर दोनों सही रहता तो फिर इस तरह कोई घटना ही नहीं घटती। तो आइए इसी की पुष्टि करने के लिए पहले हम अपने लोगों से जमीनी स्तर पर आकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान कहाँ है और समस्या का जो सामना जो किया जा रहा है उसके कांटा कहाँ रुपए, क्या क्या रीजन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विनोद कुमार राम जी। तो विनोद कुमार जी, ये आप कौन सा गाँव है? रेपुरा गाँव। और कौन सा पंचायत पड़ता है? दोन पंचायत पर, सिवान जिला का दरौली प्रखंड के दोन पंचायत के पूरा गांव है, वार्ड नंबर 15 दलित बस्ती है जी। तो ये जो जिस प्रकार हम लोग सुना, जैसे पता चला कि जो ये मारपीट जो हुई है, तो किस तरह से मारपीट हुई है, मारपीट का रीजन क्या था, कब हुआ था मारपीट? मारपीट 24 तारीख को हुआ। तो मारपीट जो लोग की है, वो मारपीट कौन लोग किए? सुभाष सिंह, चंदन सिंह, सुबीर सिंह और आशा सिंह और लड़की के कान दिव्या लक्ष्मी। तो मैंने किस कारण से ये सुभाष सिंह जो है मारपीट किए, चंदन सिंह ये मारपीट किया, मैंने इसके पीछे क्या रीजन था? रीजन यही था कि मेरा बहन बाहर निकलती थी तो उल्टा सीधा छड़खान बोलता था, दो बार तीन बार बोल चुका था। एक दिन की बात हुई कि एक दिन आ रही थी, शाम था, वो बाँह पकड़ लिया संतोष सिंह। हाँ? संतोष सिंह ने बाँह पकड़ लिया। हाँ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी शर्म की बात है ये पत्रकारिता करते हुए, कि अगर किसी के भी घर के चाहे किसी भी मोहल्ले के हो, कोई माँ बहन हो, अगर कहीं जा रही हो तो उसका बाँह पकड़ लेना, उसको कमेंट करना और उसके बाद ये कंप्लेन करने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई न होना, कब हुआ था, कितना दिन हुआ ये झगड़ा का? ये 24 तारीख, मैंने 24/7/2000 24/7 को हुआ था, लगभग 7
सातवां महीना 24 तारीख को हुआ था, उसको छेड़खानी के था। वो मान के चलिए कि अगर किसी के घर के लेडीज माँ बहन बाहर जाती है तो क्यों हाथ पकड़ लेता है, उसके साथ बदसुलूकी करता है, और उसके पूछताछ करने के बाद, इसको कंप्लेन करने के बाद समाज के गैर सामाजिक तत्व के लोग द्वारा मारपीट किया जाता है। अगर इसके कंप्लेन थाना पर करते हैं तो थाना प्रभारी उसको संज्ञान नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। मैं बता दूँ कि 24/7 का ये घटना है, अभी तक नौवां महीना चल चुका है, मतलब कि 12-13 तारीख हो गया। तो आप बताइए कि अभी इतने दिन 1.5-2 महीना हो गया, तो 1.5-2 महीना में किसी का मान हानि नहीं होती है, किसी का प्रतिष्ठा के गरिमा का ख्याल नहीं है प्रशासन को। तो ये बताइए कि जो बाह पकड़ लिया गया था तो उस स्थिति में आपने किसके पास कंप्लेंट किया? उसका सुभाष राम के थाना पर गए थे? नहीं, पहले यहाँ मारपीट होने के पहले मैं बताया था सुभाष सिंह से, तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों किया जी। तो वो सब गाली उली देने लगे, भगाने लगे अपने दरवाजे पर से। वहाँ से जब भाग के हम आए तो हथियार अपन लाठी डंडा जो भी हथियार था लेकर आए, यहाँ दरवाजे पर आकर मारपीट करने शुरू कर दिए। तो यानी आपके सिस्टर के साथ छेड़खानी किया गया, और जब आप कंप्लेन लेकर गए तो उन्होंने आके मारपीट कर लिया, भदे भदे गाली दिया जा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिवान जिले के द्रौली प्रखंड के रेपुरा गांव में जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार की घटना घटी है, काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है। इसको सिवान जिला प्रशासन को तहे दिल से तत्पर हो कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी जो सिवान जिला की जो स्थिति है, उसके प्रशासन की स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, साफ मिट्टी में मिल चुकी है, धूल चट रहा है, अभी तो इससे कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के जो मीडिया बंधु है, जितने भी इलेक्टेड पर्सनालिटी है, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, इसको एकजुट होकर संगठित होकर इस पर कार्रवाई करने की कोशिश होनी चाहिए कि क्यों आखिर वर्षों से दबाते हुए लोग आ रहे हैं, अभी तक दबाया जा रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक, तो फिर आदमी उठेगा कब, जगेगा कब, दौड़ेगा कब। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिले के दरौली प्रखंड रेपुरा गांव में, से देख सकते हैं कि ये बस्ती, देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ का बस्ती है। अभी ठीक से ना घर सही हुआ है, और ना ही ठीक से रहने का, ना खाने पीने का ना व्यवस्था, ना राशन किराशन की व्यवस्था है। यहाँ के अगर इलेक्टेड की बात करें तो देखिए, अगर इलेक्टेड यहाँ का सही रहता, ब्लॉक का प्रोसेस अगर यहाँ का सही रहता, तो देखिए सबके वहाँ पर कॉलोनी बने रहती। लेकिन देख सकते हैं इस तरह किस तरह का घर टूटा हुआ है, पचका हुआ है, मिट्टी में मिल गया है। अगर पानी बारिश होती है तो बाढ़ लग जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो खुद दरौली जो है, प्रखंड जो है, उसका जो ब्लॉक है या इधर का जो भी इलेक्टेड सिलेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेवार है, जिसके वजह से आए दिन पंचायत स्तर पर, आपको ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर मारपीट होती रहती है, गाली गलौज होती रहती है, और जाति सूचक का अभी भी भेदभाव है। अगर यदि हम लोग जाति सूचक भेदभाव को भुला दें, खत्म कर दें, और शिक्षा का महत्व दें, तो कहा जाता है कि एवरीथिंग इज नॉट बट एजुकेशन इज फर्स्ट। अगर हम एजुकेशन का समझ, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो वी कैन टू बी सॉल्व एनी प्रॉब्लम ड्यू टू एजुकेशन। बट हम लोग तो एजुकेशन के विषय में जानते ही नहीं है, जिसके वजह से ये दुर्दशा हुआ है। अभी हम लोग पहुंचेंगे पुनः एक बार जो पीड़ित महिला है, जिसका साथ गाली सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसको मार दिया गया है, उसको सर पर चोट लगा है, पैर पर चोट लगा है, कमर पर चोट लगा है, कहाँ कहाँ टूटा है, कहाँ कहाँ फटा है, और किस प्रकार से वो समस्या का सामना कर रही है, झेल रही है, उनसे मिलेंगे और मिलकर पूर्ण रूप से बात करेंगे। पास हम बात कर रहे हैं कि जो समाज के गैर सामाजिक तत्व को लोग मारपीट करके इस प्रकार के, देखिए इनके आँख को किस तरह से डैमेज कर दिया गया है, आँख को फोड़ दिया गया है। तो आप बताइए कि किस प्रकार से आपके साथ बदसलूकी की गई है, बोलिए। गए थे हम लड़का, गए थे लड़का का धन लिया, मारे खाते धन लेना, मारे लड़का के एक बोल लड़का रहा, कोई ना रह दुआर पर लड़का अकेला रहा, गैले धर एक मारे लगल सर, पहले यही के मारे लगल सर, गैले धर छोड़ाब तले इनके के मारे लगल सर, हम गनी अपना लड़का के छोड़ाब तले हमारे के मार दल गिर गनी डर से जी। यानी आपके आंख को मार के आपको आंख भड़का दिया गया? हाँ, बेहोश हो गए सारी देह हमारा गागल खून से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा रमावती देवी। विनोद कुमार के माँ जो रमावती देवी है, जो उनके घर के लेडीजों के साथ छेड़खानी होती है, बहन के साथ छेड़खानी होती है, और जो छेड़खानी करने वाले के घर परिजन को जाकर अगर कंप्लेन की जाती है तो वो लोग पकड़ के उससे मारपीट करता है। और देखिए किस प्रकार से आँख को फोड़ दिया गया है, आँख इनका बह गया है, इसका जिम्मेवार क्या होगा? बताते हैं कि पूरे शरीर का सबसे जो कीमती पार्ट्स होता है वो आँख होता है। तो ये आँख कहाँ से आएगी? सरकार की आँख दे पाएगी क्या? सरकार हाथ करके तो हाथ जोड़ पाएगी? अरे कम से कम अगर शुरुआत में कोई मुसीबत है तो यार उस मुसीबत को सॉल्व करने का प्रयास करें। जब जान ही नहीं रहेगी, जान चली जाएगी, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? आइए एक और महिला से हम लोग बात करते हैं, जिसके सर पर चोट वगैरह लगा हुआ है। जिस तरह से आप आइए तो चाची इधर थोड़ा सा दिखाइए तो चोट कहाँ लगा हुआ है, हटाइए तो।
देखिए यहाँ पर किस प्रकार की चोट लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ये चोट देखते हैं, सर्प मार दिया गया। अगर उस समय अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता तो आदमी मर जाता है। एक आंख फोड़ दिया गया है, एक सर्प मार दिया गया है, तो बताइए कि कब तक ये अत्याचारी आदमी लोग सहेगा। किस तरह से ये किया गया है तो मैं निंदा करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ सीसीटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कि अगर इस प्रकार के अगर समाज में अराजकता फैलती रहेगी और फैलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जो गृह युद्ध होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे सामान्य जनता को कि भाईचारा बनाकर रहिए, आपस में मतभेद ना करिए। और मैं से आपको ये लॉ इन ऑर्डर सो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉ इन ऑर्डर का फॉलो कीजिए किया जाए और फॉलो करवाने की कोशिश किया जाए। अगर किसी प्रकार की कंप्लेन जाता है तो इसको सुनवाई किया जाए, अगर सुनवाई नहीं होता तभी कोई उग्र बनता है कि हमारे साथ हमारे प्रशासन साथ नहीं दे रही है। आइए यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं और जैसे कि देखने के लिए, समझने के लिए, बुझने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर मारपीट किया गया, चोट लगा था। ये कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे मिलकर हम बात करते हैं, जानते हैं कि किस किस तरह से केस हुआ है, कौन कौन सा एक्ट लगा हुआ। जैसे कि पुनः मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिला के दरौली प्रखंड के रेपुरा गाँव में, वार्ड नंबर 15 में, जो दलित बस्ती है। मैं कह देना चाहता हूँ कि दलित बस्ती मीन्स नथिंग, एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर, वेल एजुकेटेड है, अनुभवी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मार झगड़ा नहीं करने वाले लोग हैं, अपने दोस्तों को शिक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं। फिर भी कुछ गैर सामाजिक तत्व लोगों के द्वारा इसको मानहानि कराया जा रहा है, मानसिक शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं हरा पाता, कहा जाता है कि जिसको दौड़ के नहीं हरा सकते हैं उसका मनोबल तोड़ते हैं, और जो मनोबल से नहीं हार सकता है उसको बहन बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से गैर सामाजिक तत्व लोगों के द्वारा बहन बेटी को छेड़खानी किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सम्मानित लोग आए हुए हैं, रिपोर्टेड लोग आए हुए हैं, उनसे हम लोग मिलकर बात करेंगे और पूछेंगे कि आपका किस तरह के यहाँ पर विचारधारा है, किस तरह का आप सजेशन यहाँ पर देना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे सिवान जिले का रेवल एडवोकेट राजे बोध, जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है, बौद्धाचार्य हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह की स्थिति है और किस तरह की स्थिति अपने भविष्य में बनने वाली है, और यहाँ पर हमने क्या मतलब की डायग्राम है। सबसे पहले सीसी न्यूज चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत दूर से आप पहुंचकर दरौली गांव के एक छोटा सा गांव रेपुरा है, वार्ड नंबर 15 में पहुंचे हैं और उस घटना के कवर करने पहुंचे हैं जो 24 जुलाई को कुछ सवर्णों के द्वारा जघन्य अपराध किया गया, जिसमें सुभाष सिंह वगैरह अभियुक्त हैं। बेटी के साथ छेड़खानी हुआ, बचाने के लिए लोग जाते हैं तो जो बाहुबली लोग हैं, सामंत प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका स्वभाव ही है अत्याचार करना, जुल्म करना, और बेटी की रक्षा करनी चाहिए, जो लड़का ये घटना को अंजाम दिया उसको सजा देनी चाहिए, ये न करके उन लोगों ने जानलेवा हमला किया जिसमें रमावती देवी के आंख, बाई आंख में नुकीला हथियार से छेद हो गया, आंखें निकल गई। और दरौली थाना कांड संख्या 163/2021 के मुजरिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और एक आश्चर्य और होता है, पढ़े लिखों के लिए एक चुनौती है, कानून जानने वालों के लिए चुनौती है कि गर्दन के ऊपर जो भी अटैक होता है, ब्रेन पर, आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, जिसे आदमी मर सकता है, जिसको अटेम्प्ट मर्डर कहते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 307 लगती है, वो एफआईआर में नहीं लगा। और क्या कमाल होता है कि जो पीटाए हैं, जिनकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई, जिस माँ की आंखें निकल गई, उन लोगों पर भी थाना में दरौली थाना कांड संख्या 164/2021 का मुकदमा दर्ज होता है। मैं आज रेपुरा गांव में वार्ड नंबर 15 में, जिसको हम दलित बस्ती कहते हैं, आए हुए हैं और इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दरौली थाना के प्रभारी साहब को, शिवान के कप्तान एसपी साहब को, सारण रेंज के डीआईजी साहब को और मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी साहब को, मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक संदेश देना चाहता हूं
कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास ये न्यूज किसी भी तरफ पहुंच जाए चैनल के माध्यम से, तो आपने जिस जिस पदों पर बैठाया है वैधानिक पदों पर, उन लोगों को दिशा निर्देश दीजिए, सख्त आदेश दीजिए कि थाना दरौली थाना कांड संख्या 163 के सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हो, और जो 307 का सेक्शन नहीं लगा है उसको भी लगाया जाए, और दलित परिवार जो मजदूरी पर आश्रित है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। आज भी भाई की जिंदगी जी रहे हैं, और हम यहां देख रहे हैं कि दलित बस्ती बीच में बसी हुई एक छोटा सा बस्ती है, और चारों बगल की जमीनें जमींदार लोगों की हैं। बकरी चली जाती है उस पर मारपीट, गाय भैंस चली जाती है उस पर मारपीट, कोई लड़का चला गया बच्चा उस पर मारपीट, ऐसा हमको सुनने में आया कि 3-3 बार ऐसा अटैक किया गया है, और प्रशासन की तरफ से एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे कि सर एक बात कहने की, जैसे बोला कि बाईं आंख में नुकीला हथियार से मार दिया गया है, तो क्या इसका मुआवजा मिला है या किस तरह का वहां पर मतलब कि ट्रीटमेंट हो रही है? अभी तक पीड़ित परिवार से मुझे संदेश मिला कि कोई भी आर्थिक मुआवजा नहीं मिला। की भूमि है जहां प्राचीन काल में सुना जाता है कि उसका अंगूठा काट लिया गया, आज भी अत्याचार जारी है, और मैं जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका काम है पता लगाना कौन दोषी है कौन निर्दोष है। संजोग राम नहीं थे, उनका नाम डाला गया, उसके बाद में केदारनाथ राम नहीं थे, उसका नाम डाला गया, विलास राम नहीं थे, उसका नाम डाला गया। मैं चाहता हूं कि सत्य के हत्या नहीं हो, और जो उस घटना में हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो घटना में नहीं हो उनको बरी किया जाए, यही मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ। तो जैसे कि हमने बताया कि हम सिवान जिले के दरौली प्रखंड के रेपुरा गांव के वार्ड नंबर 15 के जो घटना घटी है उसके विषय में हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमारे साथ मौजूद है भीमारिणी भारत एकता मिशन के बिहार प्रदेश का महासचिव दीपक सम्राट। तो दीपक सम्राट सर जी से हम लोग बात करेंगे कि किस तरह की जो घटना घटी है, जिस तरह की कंप्लेन की गई है सिवान जिले के प्रशासन के द्वारा, किसी भी प्रकार की इसका एक्टिवेट मान संज्ञान में नहीं लिया गया, किसी भी प्रकार के एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कमी हो सकती है, क्या प्रशासन जिम्मेवार है, या दलालों के द्वारा प्रशासन को रोक दिया जा रहा है, थानों को बांध दिया जा रहा है, या किस प्रकार की हम प्रोसेस चल रही है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, और उसके बाद सर बताइए कि किस तरह की हमें घटना घटी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। ये मैं बता दूं कि 24 जुलाई की घटना हुई थी, और धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि किसी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी ने कवरेज लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया। हालांकि जिस दिन घटना हुई थी वहाँ अपने ही देख रेख में हम लोग पोस्टमार्टम का क्या बोला जाता है आपको इलाज भी करवाएं, थाना में FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, वो सरकार जो है दलित और मुस्लिमों को इस तरीके से दुश्मन बन चुकी है, हितैषी बन करके वोट लेती है और दुश्मन बन करके न जाने कौन ऐसी दुश्मनी है कि हमारे ऊपर अगर घटनाएं होती है तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, उस अधिकार के दायरे में भी हमारा FIR लॉज नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जो परिवार है, इस परिवार में महिलाएं और एक लड़का, ये लोग इस परिवार में थे उस दिन, और उस दिन ये लोग एक बाइक से डलने ये लोग हमला कर दिए, क्योंकि कारण ये था कि ये परिवार न्याय के लिए इनके दरवाजे पे गया था कि मेरी बेटी बहने अगर बाहर निकलती है तो आप उनके साथ जो है गलत व्यवहार ना करें। इस चीज़ का इन लोगों ने विरोध किया था और एक सही तरीके से जा करके अपनी बात रखी थी कि भाई आपकी भी बेटी बहने हैं कि नहीं, हमारी बेटी बहने हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को समझाइए। लेकिन ये लोग तो भाई सवर्ण लोग हैं, इन लोगों को ये चीज़ कैसे खलता। ये लोग जो है बोले कि भाई चमार का आदमी, चमार घर के लोग जो है आकर के हमारे दरवाजे पर आकर के इस तरह की बातें करके जाएंगे। पलटवार हुआ और आकर के इन लोगों के एक महिला को जो है आँख में रड मार दिया गया, एक पे तलवार मारा गया, सभी लोगों को जख्मी कर दिया गया। हम लोगों को मालूम चला, हम लोग पहुँचे, पहुँचने के बाद से हम लोग जो है उस परिवार को भी ट्रीटमेंट हुआ, हालांकि उनको कुछ हुआ नहीं था। लेकिन थाना प्रभारी ने ये क्या किया कि दोनों तरफ से FIR हुआ, दोनों तरफ से FIR में एक का आँख खत्म हुआ है तो उसमें 307 सर के ऊपर जो भी अगर इंजर्ड रहता है तो 307 की धारा लगती है, SC ST लगता है, लेकिन सेम धाराएं उधर से लगा दिया गया है कि नहीं। इसलिए चूंकि ये दलित परिवार है
और थाना प्रभारी के ऊपर ऊपर से या तो पैसा खा लिए होंगे या तो पॉलिटिकल दबाव, इसमें आकर के ये लोग संविधान को हत्या किए। और आज भी जो है इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। हम लोग जो है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपके माध्यम से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं सरकार और यहाँ की जिला प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है और ये हमारा दरख्वास्त है, हम आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है संविधान को हत्या ना करें। अगर ऐसा हुआ तो दलित कमज़ोर जरूर है लेकिन कायर नहीं है, और संविधान को जरूर हम मानते हैं लेकिन इतना जरूर याद रहे कि जूता बनाना जानते हैं तो जूता को भी सर पर मारना जानते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं ये जाँच का विषय है, आप पहले आकर के यहाँ पर जो है जिला से पदाधिकारी आकर के यहाँ पे जांच करें कि यहाँ की सच्चाई क्या है। यहाँ पे पहली नहीं, यहाँ पे कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इस दलित परिवार पे, जिससे ये परिवार डरा सहमा रहता है। और आज भी ऐसा माहौल है, यहाँ के लोग जो है बाहर निकलने से डरते हैं, इनकी बहने बेटियाँ जो है बाहर निकलती है तो छटखानी होती है। तो भाई कब तक ये बर्दाश्त होगा? नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम दलितों की हितैषी हैं, मुस्लिमों की हितैषी हैं। आपने तो ये बोला था कि भाई दलितों की मृत्यु अगर मौत होगा किसी वजह से तो हम उनको पैसा देंगे। तो आप क्या उन लोगों को आप उकसाए थे क्या कि तुम जा करके मारो और हम पैसा देंगे तुम्हें? तो यही हो रहा है और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। युवा जग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ अगर होगा, सरकार अगर नहीं सुनेगा तो इतना याद रखें कि ये डबल इंजन की सरकार फिर रहने वाली नहीं है। और समाज जग चुका है, इसके बावजूद भी मेरे जिला प्रवक्ता हैं उनका इसमें नाम दिया गया, चूँकि इस मोहल्ले के वो हैं और इस मोहल्ले में सक्रिय वही हैं और वो आवाज़ बन करके निकल रहे थे। उनके ऊपर जो है गलत FIR फर्जी FIR ये किया गया, क्योंकि उनको और उनके पिताजी और उनके माताजी घर पे नहीं थे। तो मैं ये कहूँगा पूरे प्रशासन से और शासन से कि उनका नाम निकलवाया जाए और इस मामले में जो शामिल थे अगर आप FIR की हो तो उन्हीं को आप रखो, है कि नहीं। और इस पीड़ित परिवार को सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो भी मामला उधर से हुआ है उसको जो है ख़त्म किया जाए, चूँकि वो बेबुनियादी है। मारने वाले लोग जो है दोषी हैं और हमेशा से वो लोग मारे हैं पीटे हैं। वो क्या हम दलित पीटने के लिए बने हैं क्या कि हम पिटाई खाएं और थाना में जाएं तो वो हमें थानेदार जो है हमको मारे, यहाँ पर आए तो हमें यहाँ के लोग मारे, दबंग लोग मारे। उस महिला जिसका आग गया है क्या उसको कोई वापस लौटा सकता है क्या? इस परिवार का, जिस परिवार का एक लड़का जो वही कमाता था और अपने परिवार को चलाता था, क्या सरकार वापस दे सकती है क्या? तो ये जो सर जो जैसे कि आपने जब बताया, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बिहार के महासचिव से दीपक समरा, जिन्होंने बहुत ऐसे पॉइंट और टॉपिक के विषय में बात किया जो सर माना चाहिए प्रशासन को, पूरे बिहार के प्रशासन को सर माननी चाहिए, पूरे सिवान जिले के प्रशासन को सर माननी चाहिए और थानों को सर माननी चाहिए। तो सर अभी क्या आप मैंने गाइड करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये प्रशासन, किस तरह से इसको समीक्षा होनी चाहिए, हैंडल होनी चाहिए? भाई मैं आपको बता दूँ कि ये सरकार में बैठे हुए लोग जो है ये भक्षक लोग हैं ना, ये राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिवान की एक मामला हुई थी, लास्ट में आपको बता दूं कि सिवान के मामला एक हुआ था कुछ दिन पहले, हत्याकांड हुआ था साहिल और सावन। तो इसमें जो है न्याय के लिए जनता रोड पे उतरी, हम लोग भी साथ में थे। तो उसमें जो है जो लोग आवाज़ बन करके उभर रहे थे, जिनकी आवाज़ से फ़र्क पड़ता है प्रशासन को, उनको जो है बाय नेम FIR जो है जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, अभी मुझे खबर आई। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे FIR से हम थोड़ा डरते हैं, ये तो शुरू से कई हज़ार वर्षों से तुम लोग हम लोगों को जो है दबाए हो, लेकिन आज भी ये समाज खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। तुम्हारे एक FIR दर्ज से नमत आजाद की शायद हमारे पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। तुम्हें जो कुछ भी लगाना है वो लगा लो, क्रांति आ चुकी है। बशर्ते हम आग्रह करते हैं, संवैधानिक तौर पर आग्रह करते हैं, चूँकि हमारा मूलभूत अधिकार है हमें अपने संवैधानिक तरीके से लड़ने का। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, किसी समाज का हो, किसी दल का हो, फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, संविधान अगर सच में इस देश में लागू है तो न्याय सभी को मिलना चाहिए। और सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो जांच परख करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको सलाखे के पीछे लेकर के जाए। आज तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, SC ST एक्ट लगा उसमें प्रावधान है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं कैसे मानूँगी तो आप हितैषी हो, आप जो है सच में भक्षक हो, अब राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक हो। और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को पूरे समाज से मेरा आग्रह कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है और समाज एक बहुत ही ऐसे स्थिति में जा रहा है, एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिससे पूरे समाज को खतरा है। युद्ध एक ऐसा होगा जिसमें सभी को नुकसान होगा, क्योंकि कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? एक चींटी भी दबती है तो पूरे अवकाश से जो है आपके ऊपर वार करती है, तो ये तो इंसान है, कम से कम इंसान तो इनको माना जाए।
मेरा आग्रह है शासन प्रशासन और सीएम से, सिवान के डीएम एसपी और हमारे थाना प्रभारी से कि इस मामले में जांच करके और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो निर्दोषी लोग हैं उनको जो है बरी किया जाए, जिन लोगों को फंसाया जो फर्जी मुकदमे हुए हैं उन लोगों को जो है वो फर्जी मुकदमे जो है वापस लिया जाए, तो जाकर के हम लोग को सुनने वाले नहीं तो बहुत बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को हर हाल में हम लोग न्याय दिलवाएंगे।